डिलीट हो जाता है। तो सिंपल डिलीट पर हम जैसे क्लिक करेंगे, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट दोस्तों डिलीट हो चुका है परमानेंट इंस्टाग्राम अकाउंट। दोस्तों आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरह से डिलीट करें, यानी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम की आईडी अकाउंट जो भी आप कहते हैं उसको परमानेंटली कैसे डिलीट करना है, बिल्कुल आसान तरीका, इजी प्रोसेस। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, भाई के चैनल मनीष एडवाइस को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको और भी शानदार वीडियो इंस्टाग्राम के बारे में आगे भी लाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को पहले से ही यहां पर ओपन करके रखा हूं, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। ये मैंने अकाउंट अभी अभी बनाया, लेकिन मुझे अभी काम नहीं करना है इस पर, क्योंकि मैंने ऐसे ही बना लिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अकाउंट को डिलीट करना है। आपका कोई भी रीज़न हो सकता है, अकाउंट का डिलीट करने का कोई भी रीज़न हो सकता है, वो आपको ही पता होगा, या आपको एक से ज़्यादा अकाउंट आपके पास पड़े हुए हैं, आप डिलीट करना चाहते हो। सो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है अकाउंट डिलीट करने के लिए। सिंपल इस तरीके से इंटरफेस आता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो ऊपर लिखा है अकाउंट सेंडर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस तरीके से कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपका देखने को मिलता है इंस्टाग्राम पर। यहाँ पर देखो नीचे लिखा अकाउंट सेटिंग, एक नीचे ऑप्शन लिखा पर्सनल डिटेल्स, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन नंबर मिलेगा यहाँ पर देखने को, आपको डेट ऑफ बर्थ, आपको नीचे लिखा है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी आपको इस पर ही क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ऊपर साफ लिखा है देखो अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, नीचे लिखा है डीएक्टिवेट और डिलीट, तो हमें इस पर ही क्लिक करना है। इस तरीके से फिर से लिखा आ रहा है कि डीएक्टिवेट और डिलीट, और आप इस बार आईडी देखने को मिल रही है आपके इंस्टाग्राम की, तो हम उसी आईडी पर क्लिक करेंगे जिसे हमें डिलीट करना है। हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं डीएक्टिवेट और डिलीट अकाउंट के। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऊपर लिखा है डीएक्टिवेट अकाउंट, नीचे लिखा है डिलीट अकाउंट, तो हमें तो अकाउंट डिलीट करना है भाई साहब, तो हम डिलीट पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखो लिखा है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, ये पूछ रहा है कि ये रीज़न क्या है अकाउंट डिलीट करने का, आप अकाउंट क्यों करना चाहते हो डिलीट, तो हम कोई एक रीज़न में कहीं भी क्लिक कर देते इस तरीके से और सिंपल कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। आप भी कहीं भी क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिंपल आपको कंटिन्यू में दोबारा से क्लिक करना इस तरीके से, और इसके बाद देखो आ चुका है इंस्टाग्राम का पासवर्ड डालने के लिए, यानी आपको अपनी आईडी का पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना। हो सकता है आपको पासवर्ड ही याद ना हो, तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन पे वीडियो आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड कैसे चेंज करें। पहले चेंज कर लो फिर डिलीट करना अगर पासवर्ड याद नहीं है तो। तो जल्दी से हम इंस्टाग्राम का यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। हमने पासवर्ड तो डाल दिया, अब सिंपल कंटिन्यू पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ये एक बार फिर से कन्फर्म कर रहा है कि भाई आप अकाउंट वाकई में आप डिलीट करना चाहते हो ना, तो एक काम जरूर करना कि 31 जुलाई 2024 यानी कि लगभग 30 दिनों तक इस अकाउंट को आप लॉगिन नहीं करना, ठीक है ना, ये ऐसा इंस्टाग्राम कहता है, वैसे अकाउंट डिलीट हो जाता है। तो सिंपल डिलीट पर हम जैसे क्लिक करेंगे, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट दोस्तों डिलीट हो चुका है परमानेंट। तो इस तरीके से यार इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट किया जाता है। देखो मेरा दूसरा अकाउंट खुल गया भाई, क्योंकि मेरे यहाँ पर एक से ज़्यादा अकाउंट लिंक है, ठीक है ना। तो ये मेरा मेन अकाउंट है, कोई सवाल है तो प्लीज़ जाइए फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए, डीएम कीजिए, जो भी आपकी समस्याएं हैं, और वीडियो पर कमेंट ज़रूर कर देना, और वीडियो देखने के बाद आप बताना कि आपका अकाउंट डिलीट हुआ कि नहीं वीडियो देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को मिलते हैं, तो भाई चलिए जल्दी से मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो पर, आपके लिए और भी शानदार वीडियो आगे लाऊंगा इसी चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर मनीष एडवाइस चैनल पर।